नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज़। अंदेशक न्यूज़ के सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। राम राम, जय हिंद, सलाम और सत श्री अकाल। साथियों, यहाँ पर अंदेशकों के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, साथ ही शिक्षा विभाग की कुछ महत्वपूर्ण अन्य खबरें हैं। शुरू करते हैं आज का समाचार। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर। पहले प्रमुख खबरें। राज्य परियोजना से आया दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण लेटर, सूचना चलते हैं। प्री प्राइमरी स्कूलों का सफल संचालन, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बड़ा मानदेय, खुशी की लहर, स्कूल समय में हुआ बड़ा बदलाव। अब खबर विस्तार से शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबर। साथियों, यहां पर बताना चाहेंगे महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से, और इसमें क्या लिखा है, सेवा में जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। साथियों, यह ईमेल द्वारा प्राप्त हुआ समाचार है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है 8 अप्रैल 2022 की डेट है और विषय है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा के पद पर संविदा पर तैनात अंशकालिक अन्वेषकों के नवीनीकरण के संबंध में। साथियों, यहां पर बताना चाहूँगा, जो लोग कहते थे कि स्वतः नवीनीकरण की समस्या हल हो गई है, ऐसा नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महोदय महोदया, कृपया शासनादेश संख्या 10/25/5/2019 विशिष्ट शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 29 नवंबर 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण की व्यवस्था प्रख्यापित की गई है। कृपया उपरोक्ता अनुसार शासनादेश के प्रस्तरखा में वर्णित प्राविधानों के आलोक में अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण की कार्यवाही संपादित कराते हुए संलग्न प्रारूप का सूचना राज्य परियोजना कार्यालय की ईमेल आईडी sm.pti.spo@gmail.com पर दिनांक 15 मई 2022 तक भेजना सुनिश्चित करें। भवदया अनामिका सिंह, राज्य परियोजना निदेशालय। साधु, यहाँ पर ये सूचना प्रेषित की गई है राज्य परियोजना निदेशक द्वारा, और 15 मई तक हर हाल में ये सूचनाएं BSA द्वारा राज्य परियोजना तक उपलब्ध कराने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। आगे समाचार है कि प्री प्राइमरी की जो कक्षाएं हैं वो 1.25 लाख स्कूल प्री प्राइमरी के खुल चुके हैं, और 1.25 लाख स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएँ शुरू हो गई हैं। ये प्राइमरी का मास्टर न्यूज़ से समाचार वायरल हो रहा है। नई दिल्ली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की सिफारिशों का अब सभी राज्यों में तेजी से अमल दिखने लगा है। 2 साल के भीतर ही देश में 1.25 लाख से ज़्यादा प्री प्राइमरी या बाल वाटिका NEP में प्री प्राइमरी स्कूलों को यही नाम दिया गया है, खुल गई हैं। इनमें सबसे ज़्यादा करीब 46,000 प्री प्राइमरी स्कूल बंगाल में खोले गए हैं, वहीं दूसरे राज्यों में भी तेज़ी से इनका खुलना शुरू हो गया है। बंगाल वही राज्य है जिसने NEP से हटकर अपनी अलग शिक्षा नीति लाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसे लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की गई है। बंगाल को छोड़ दें तो बाकी के सभी राज्य NEP सिफारिशों पर ही आगे बढ़ रहे हैं। NEP के तेज़ी से अमल को लेकर ये रिपोर्ट हाल ही में संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने पेश किया है। साथियों, ये समाचार इस समय आप अंदेशक न्यूज़ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आगे समाचार है, आउटसोर्सिंग कर्मियों का 2325 रुपये तक मानदेय बढ़ा। लखनऊ से समाचार है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मियों के मानदेय में पद के अनुसार अलग अलग वृद्धि की गई है। अधिकतम 2325 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ द्वारा उच्च न्यायालय में इस मामले में वाद दायर किया गया था, जिसका आदेश किया है कोर्ट ने। बार्ड बॉय व बार्ड आया को अभी तक 9,184 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 10,706 रुपये कर दिया गया है।
यानी 1522 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कंप्यूटर सहायक कम रजिस्ट्रेशन क्लर्क का मानदेय 11,316 रुपए से बढ़कर 12,844 रुपए कर दिया गया है। कंप्यूटर सहायक के मानदेय में 1,528 रुपए की वृद्धि की गई है। चपरासी व अर्दली का मानदेय 9,184 रुपए से बढ़ाकर 9,999 रुपए, सफाई कर्मियों का मानदेय 9,184 से बढ़ाकर 9,902 रुपए कर दिया गया है। मल्टीपर्पस वर्कर व मल्टी टास्क वर्कर का मानदेय 9,184 रुपए से बढ़ाकर 11,509 रुपए कर दिया गया है। इनके मानदेय में सबसे ज़्यादा 2,325 रुपए की वृद्धि हुई है। कुक का मानदेय 9,184 रुपए से बढ़ाकर 10,706 रुपए कर दिया गया, यानी 1,522 रुपए की वृद्धि हुई है। इसी तरह से प्लम्बर का मानदेय 10,102 रुपए से बढ़ाकर 11,177 रुपए कर दिया गया है। वाहन चालक का मानदेय बढ़ाकर 11,316 रुपए से बढ़ाकर 11,779 रुपए कर दिया गया है। मानदेय के अलावा EPF व ESI का भुगतान अलग से सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये समाचार इस समय सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है मानदेय वृद्धि को लेकर साथियों। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। मिलते हैं किसी और नई अपडेट।